सर 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 हो गया। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें अभी लाइट की प्रॉब्लम थी और अभी इन्होंने आईसी पे काम किया और आईसी पे काम करने के बाद हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। तो जैसा दोस्तों आप देख सकते हो ये खूबसूरत डायग्राम बनाया है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम हेमंत रथ है, मैं ओडिशा से हूँ और मैं 28 अक्टूबर का बैच एशिया टेलीकॉम से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो आज हमने बनाया है D8 का लाइट आईसी जी, ठीक है। तो कोई भी आईसी हो उसको हम उसका रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं पहले। तो उस ये लाइट आईसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो जो है 4 वोल्ट और सीएल के लाइन, एचडी लाइन जो कि कॉमन लाइन होता है, एनेबल लाइन सब रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको आगे विस्तार से बताता हूँ। पहले तो डीसी टू डीसी आईसी से हमारा आता है 4 वोल्ट का जो कि बीटरी से कनेक्ट होता है और उस बीटरी से और एक आता है बूस्ट कॉइल जो कि लगता है D3 है जिसको हम स्विचिंग बोलते हैं। तो ये हो गया अपना 4 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट और आता है एनेबल का सिग्नल जो कि A3 में कनेक्ट होता है और क्लॉक का सिग्नल जो कि B2 में कनेक्ट होता है और कमांड का सिग्नल जिसको SDA बोलते हैं वो कनेक्ट होता है A2 पे। तो एनेबल सिग्नल का जो वोल्टेज आता है 1.8 वोल्टेज ये अपने आप से CPU से ले लेता है लेकिन ब्लॉक और SDA का लाइन अपने आप से वोल्टेज नहीं बनाता, इसके लिए हमको पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज जनरेट करना पड़ता है जो कि पुल अप रजिस्टर 2.2 के माध्यम से देना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा आईसी का रिक्वायरमेंट। अब आउटपुट जो जाता है आईसी से तो जाता है सर बूस्ट कॉइल के माध्यम से, एक डायोड के माध्यम से जाता है LED A को जो कि एनोड बोलते हैं प्लस पॉइंट, जो LCD का प्लस पॉइंट। और बाकी जो जाते हैं LED कैथोड LED 1 और LED कैथोड 2 जो कि जाते हैं LCD कनेक्टर में जो कि माइनस को भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और एक आता है PWM जो कि हम CLDC बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्राइटनेस कंट्रोलर जो कि ये काम करता है हमारा ब्राइटनेस अप डाउन होने के लिए। वोल्टेज भी मिलेगी इस टाइम? हाँ सर, इसमें 1.8 वोल्टेज भी जनरेट हो जाता है। तो और बाकी 3 पिन जो रहता है C3 C2 और C1 वो रहता है ग्राउंड में। तो सर ये होगा रिक्वायरमेंट अपना पूरा LCD लाइट। तो आपको नॉलेज किस प्रकार का आपको नॉलेज मिला, आपकी क्लास आज किसके साथ थी? देव सर के साथ थी। देव सर के साथ थी, कितने घंटे की क्लास थी आपकी? 6 घंटे क्लास। अगर ये बोलूँ मैं कि अगर किसी भी सर्किट में अगर इसके अंदर ये आईसी लगी है उसके आईसी को भी निकाल देता है, उसके सारे कंपोनेंट को भी निकाल देता है, तो उसके बाद आप बना सकते हैं? हाँ सर, मॉडिफाई करके खुद बना सकते हैं। आप में वो स्किल है? हाँ सर, आपको नॉलेज है? हाँ सर, देव सर ने नॉलेज दिया है। उसके बाद कॉपी कंटेंट बता रहे हो, रटा हुआ बता रहे हो, अभी क्लास का नॉलेज बता रहे? नहीं नहीं, प्रॉपर नॉलेज मिला है मेरे को। रिविजन 2-2 बार पहले देव सर ने करवाई, बाद में MD सर के द्वारा फिर भी प्रैक्टिकल में भी करवाए हम। 6 घंटा थ्योरी, उसके बाद 6 घंटा प्रैक्टिकल करें, 12 से 14 घंटा पढ़ाया जाता है इधर। तो सब क्लियर हो गया सर जिससे। तो आप सबसे पूछना चाहूंगा मैं कि ये सर्किट कौन कौन बना सकता है? सर, सब बना सकते हैं? यस सर। ऐसा कोई जो नहीं बना सकता हो? सब बना सकते हैं? यस सर। कॉन्फिडेंस है सर? कॉन्फिडेंस है? हाँ सर। तो क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? मैं बोलना चाहूँगा कि जो जो फेसबुक में देख रहे हैं आप आ जाइए एक बार आने के बाद ही आपको पता चला है क्या ज्ञान है क्या नहीं है। एक समंदर है एशिया टेलीकॉम, एक समंदर है, आप जितना ले सकते हो उतना ज़्यादा ही ले सकते हैं। और आने से पहले दिमाग को खाली करके आना चाहिए। मैं 28 तारीख की बात करूँ, 28 तारीख को जब पहले दिन आपकी कॉम्पोनेंट की क्लास थी तो आपको कॉम्पोनेंट का भी आइडिया था क्या? नहीं सर, मैं तो टोटल आइडिया नहीं था। आज क्या कर रहे हो आप, ड्राइंग क्या कर रहे हो? उससे डायग्राम बना रहा हूँ सर। डायग्राम बना रहे हो? हाँ सर। चलो एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो हमारे साथ
27 अक्टूबर बेच के एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम उपेन साहू है, मैं छत्तीसगढ़। उपेन साहू छत्तीसगढ़ से हो आप जी? तो उपेन साहू आपसे ये पूछना चाहूँगा, आज आपकी कैसी क्लास थी? मेरा तो सर लाइट की। लाइट की क्लास? किन किन के साथ क्लास की? देव सर के साथ। तो देव सर के साथ आपकी लाइट लाइट आई सी की क्लास थी आपकी। तो लाइट खाली क्या आपने एक मॉडल का पढ़ाया? नहीं सर, पढ़ते हैं। कौन कौन सी ऐसी पढ़ी, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। हम लोग पढ़े हैं सर D8, D9 ठीक है, और आता है LM, ये सब पांच प्रकार की। PMI है जो बड़ी सेटों में आते हैं। PML 63P जो IPS पर जितने भी प्रकार की ऐसी ऐसी सभी पढ़ी है जी सर। तो आपने मॉडल वाइज तो नहीं पढ़ी? नहीं सर, मॉडल वाइज नहीं पढ़ी। हमने CPU वाइज पढ़ी है, और शुरू से लेके अंतिम तक जैसा बोला जाए कि वोल्टेज कहाँ से बनता है और कहाँ जाके बनता है, वो सभी चीज़ों की डिटेल में हमने एक जानकारी ली है देव सर के क्लास में। उसके हिसाब से मेरे पास अभी एक है सर, मैं लाया था डेट, जिसमें डेट नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको अब देखता हूँ, अब जो पढ़े हैं जो समझें उसके हिसाब से बन जाए, कोशिश करने के लिए।
सर सर हो गया। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें अभी लाइट की प्रॉब्लम थी और अभी इन्होंने आईसी पे काम किया और आईसी पे काम करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो बताइए आज आपके हाथ में एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल एंडलेस सॉल्यूशन है। अब इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर इसके ऊपर तो कुछ ही नहीं। एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए भाई। चलिए ठीक है 28 अक्टूबर की बेच कौन कौन लाइए? सब लाइए। तो क्या क्लास थी आज हमारी? लाइट सेक्शन। तो लाइट किस किस का जला? सबका जला लाइट। एक एक का जला लाइट। तो किसके साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ क्लास थी आपकी। देव सर के साथ क्लास थी आपकी। कितने घंटे चली क्लास? 6 घंटे। क्या खाली एक मॉडल पे बताया? नहीं सर। दो मॉडल पे बताया? नहीं सर। तीन मॉडल पे बताया? नहीं सर। नहीं सर हम मॉडल वाइज पढ़ते नहीं, हम पढ़ते हैं सीपीयू वाइज। यस सर। कोई सा सीपीयू छूटा है क्या? नहीं सर। कोई सा भी? नहीं सर। D6 D7 नहीं सर। D8 D9 नहीं सर। राइट आईसीयू का नाम ले रहा हूँ। जी सर। BMI PML नहीं सर। 63P जी सर। और बात करूं 6 लेग के दोनों सर्किट, सर्किट 1 सर्किट 2। यस सर। सर का सर्किट 1 सर्किट 2 कोई नहीं जानता, ये सारी खाली एसएससी टेलीकॉम का स्टूडेंट जानता है कि 6 लेग सर्किट 1 क्या होता है, 6 लेग सर्किट 2 क्या होता है। तो ये बताइए मेरे को कि आपको सर की क्लास कैसी लगी? क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए? और क्या बोलना चाहेंगे? लाइट सेक्शन पूरा गोली की तरह दिमाग में घुसा है। यस सर। अभी लाइट का फॉल्ट आता तो कौन कौन बना सकता है? जी सर। सब बना सकते हैं? यस सर। मतलब एंड तक बना सकते हैं? यस सर। एंड तक बना सकते हैं? यस सर। और कोई सी भी लाइट आईसी हो आपको सारी लाइन आउटपुट की मालूम है? यस सर। कौन सी लाइन कहाँ जाएगी, कितना जेआर आएगा, कितना वोल्टेज आएगा और लाइट की जहाँ स्विचिंग होती है वहाँ फ्रीक्वेंसी कौन कौन नोट कर सकता है? सब कर सकते हैं। माध्यम DSO रहेगा आपका? यस सर। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले अर्शदीप से। तो अर्शदीप आज आपकी लाइट की क्लास की किस लेवल से समझ में आई आपको? सर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया, कहाँ पे जी याद आ रहा है, कहाँ पे वोल्टेज कितनी आनी है, कहाँ पे कैपेसिटर कितनी वोल्टेज आएगी, सारा का सारा सर ने आज पूरा बताया पूरी क्लास में और उसके बाद हमने प्रैक्टिकल किया। अच्छा ये बताइए कि आपको सर ने प्रैक्टिकल करके बताया कि नहीं बताया? बताया सर। पूरा बताया? यस सर। वोल्टेज चेक करें? यस सर। फिर प्रैक्टिकल क्लास में आपने कितनी पीसीबी पे लाइट सेक्शन देखा? देखा आपने? पूरा डायग्नोस करा? रिजल्ट आपके सामने था? इसके अलावा कोई पीसीबी आएगी क्या? इसके अलावा कोई मॉडल आएगा? कोई आईसी पैदा हुई है क्या? हमने डिस्प्ले को 3 भागों में तोड़ा, एक ग्राफिक्स, एक लाइट है ना, एक IPS और चौथा है हमारा MOLED को छोड़ के कोई चीज बची है क्या? उसकी सर स्पेशल क्लास है आपके लिए जी सर, ताकि आपके दिमाग में मिक्सचर ना हो, है ना। इस चीज को हम सेपरेट देना चाहते हैं कि कोई भी किसी प्रकार का उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, है ना। और जितने हल्के रूप से लेंगे, अच्छा जो आपको समझाया यूजर फ्रेंडली था कि टफ था? यूजर फ्रेंडली था ना लाइट सेक्शन को। अब ये बताइए मेरे को कि अगर इन केस अगर आपके पास लाइट आईसी जो लगी है मोबाइल की पीसीबी में वो अवेलेबल नहीं होती है और मॉडिफाई करके वो कौन कौन लगा सकता है? मॉडिफाई करके वो आईसी आपके पास है ही नहीं, उसको मॉडिफाई करके कौन कौन लगा सकता है? सब लगा सकते हैं। तो चलिए एक इसके लिए क्लिपिंग आए आपके लिए, बेहतर तरीके से समझा, आसानी से समझा। अब सारी चीजें कैसी समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम राजू मौर्य, मैं लखनऊ यूपी से आया हुआ। मेरा 8वां दिन था, यहाँ पर लाइट सेक्शन था। लाइट सेक्शन सर जिसे कहते हैं कि जिंदगी भर कुछ भी करो बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। बराबर। सब कुछ किया लेकिन दिमाग की बत्ती नहीं खुली थी, लेकिन आज पूरी दिमाग की बत्ती मेरी खुल गई। अब कोई भी मोबाइल कैसा भी मोबाइल हो A to Z मॉडल तो जानते नहीं, CPU जानते हैं। बराबर। CPU वाइज बना देंगे सर, A to Z कैसा भी हो, कोई सा भी मॉडल आया बना। पहले दूध कहने का मतलब दाल चावल खाते थे, हलवा खाया था कल, आज लेकिन दूध पी गए। बराबर। चलो दूध के सर लाइट पी गए सर। लाइट पी गए जी।
जी मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम विकास यादव सर, मैं झारखंड से हूँ जी। जी सर, आज जो था हम लोग का लाइट सेक्शन था, हाँ। जो देव सर ने दिए जी सर, बहुत इजी से उन्होंने समझाए। पहले भी लाइट मारते थे तो नहीं होता था, लेकिन इनका जो तरीका तो अलग था सर। क्या अब जो पूरा फुल समझ में आ गया, कहाँ सीपीयू से लाइन आ रहा है, कहाँ सिपारे से लाइन आ रहा है, फुल सर। अगर लाइट में मैं बात करूं, पावर आईसी से कौन सी पिन आएगी जी सर, आपकी सेकंड आईसी से कौन, सेकंड पावर आईसी से कौन सी लाइन आएगी जी सर, है ना, डिस्प्ले पे कौन सी लाइन जाएगी, सब पता है। कनेक्टर पे कौन सी आएगी, किस पे कितने वोल्टेज आएंगे, किस पे कितने जीआर आएंगे जी सर, और आपकी जो बुश कॉइल होती है क्या वैल्यू की लगी आती है, ये भी आइडिया है आपको जी सर। कहाँ से कौन सा चेंज करना है सब पता है, कहाँ से कहाँ कौन सा चेंज करना है ये भी बताया जी सर, कहाँ जम्पर मारना है, लाइन वोल्टेज ना, सब पता है। तो सारी चीज़ें आपके हाथ में जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल से अरविंद, इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको, और एक्सपीरियंस के अपने एक्सपीरियंस को नैनोज को पढ़ाने के लिए इन्होंने एशिया टेलीकॉम आए। तो आप एशिया टेलीकॉम आए तो क्या क्या ध्येय है? एशिया टेलीकॉम आने का मेरा यही मोटो है सर कि मैं कुछ थोड़ा और इम्प्रूव करूँ, और थोड़ा नहीं बारीकों को समझा। यस सर, मैं थोड़ा नहीं, मैं क्या बोला, एडवांस जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा मैं बेहतर तरीके समझ पा रहा हूँ। जो मोबाइल फील्ड अभी देखा है तो इजीली है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि टफ है अगर सही ढंग का नॉलेज ना हो तो। बराबर, यहाँ आने के बाद एकदम इजी लगने लगा सर। लाइट सेक्शन जिस तरह समझाएं हमारे देव सर, और प्लस उनका क्लास क्लोज होने के बाद जिस तरह से प्रैक्टिकल किया, मतलब चीज मैंने डाउटफुल कुछ भी नहीं रहा। अभी लाइट सेक्शन में अगर कोई सा भी मोबाइल आता है तो आप बनाने के लिए सक्षम है कि नहीं? एकदम सर। चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, मैं विराट औरंगाबाद बिहार से हूँ। आज हमारा सेक्शन लाइट सेक्शन था जो देव सर के साथ चलिए, और जो कि सबसे बाकी दिन के मुकाबले आज और हल्का रहा, मतलब कि लगा ही नहीं कि अपन क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, लगा कि बस कॉमनली, मतलब कि जनरली अपने लोग जो यूज करते हैं ना, सर ने इतने हल्के तरीके से बताया, मतलब कि कोई भी चीज को छोड़ा नहीं, कोई सी भी आईसी छोटी, कोई भी ऐसी आईसी नहीं छोड़ी, कोई भी ऐसा ट्रैक नहीं बताया उन्होंने जो कि कहीं बचा हो, एकदम क्लियरली कहीं पे कोई डाउट। मैं बोलूं आपका लाइट सेक्शन पूरा क्लियर है, कंप्लीट, खाली तुम्हारा क्लियर है कि पूरी क्लास का? पूरी क्लास का। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी अरमान, बताइए लाइट सेक्शन कैसा लगा आपको? सर बहुत ही आसान था और बहुत हल्का था, पहले नहीं समझ में आता था, बहुत हार्ड लगता था, लेकिन सर ये इतने अच्छी तरीके से समझाए, मतलब सर 6 घंटे का क्लास होता है, किस तरह बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, इतना मतलब उस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है सर की बातों से, सर के पढ़ाने के स्टाइल से। शायद हमको लग रहा है मेरी लाइफ का पहले ऐसे गुरु है जो इतने अच्छे से समझा पा रहे सर। थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, मेरा नाम सलीम है, मैं मम्मी जफर नगर यूपी से सर। हाँ, तो ये बताइए आज आपकी क्या क्लास थी और किनके साथ थी? सेक्शन की क्लास थी सर आज देव सर के साथ। जी सर ने इस तरीके से पढ़ाया सर, हम पहले लाइट के बारे में जानते भी कुछ नहीं थे जी, और सर ने इस तरीके से पढ़ा दिया कि अब चुटकियों में कर देते हैं सर, सारा का सारा चुटकियों में हो जाता है आपका? जी सर। इसका भी लाइट जम्पर कर सकते हैं सर? अच्छा, नेटवर्क भी चला गया। तो ये बताइए मेरे को, थोड़ा सा लाइट चला गया है, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर, तो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए मेरे साथ इधर वाली क्लास में आ जाओ, सबके सब आ जाओ वाली क्लास में। चलिए सर। चलिए तो हम चलते हैं वाली क्लास में जहाँ पर जनरेटर स्टूडेंट है। जी, मेरा नाम अमित है, छत्तीसगढ़ से हूँ जी। आज हमारी क्लास देव सर के साथ थी लाइट सेक्शन में। ठीक है, लाइट सेक्शन मतलब पहले हम बनाते थे तो हमको 50-50 का रेशियो लगता था कि बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आज की 6 घंटे की क्लास और 5-6 घंटे की प्रैक्टिकल ने हमारा पूरा नज़रिया चेंज कर दिया। तो अभी कोई सा भी सर्किट हो आपके हाथ में आप बना सकते हो? बना सकते आराम, हार्डली से हार्डली आधा घंटा 20 मिनट लगे, 20-30 मिनट बन जाएगा कोई भी। प्रेस पॉइंट मालूम है, कहाँ वोल्टेज आना, कहाँ फ्रीक्वेंसी आना, कहाँ जी आर आना, कौन सी लाइन एंडलेस कहाँ तक जा रही है। अगर कोई अदर शॉप से, देखो अधिकतर जो लाइट के मोबाइल आते हैं वो अदर शॉप से छिड़े हुए आते हैं जी, तो छिड़े हुए तो कंपोनेंट को रीअरेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पूरा सर A to Z, अगर आईसी भी निकाल दिया उन्होंने, आईसी पैड तक उखाड़ दिया तो भी पूरा कर लेंगे हम। वेरी गुड। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, चंदन सोनी मेरा नाम है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आज देव सर के साथ लाइट सेक्शन की क्लास थी, देव सर ने काफ़ी ईजी तरीके से एक्सप्लेन किए, प्लस थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल के साथ हमको पूरे डिटेल में समझाए। तो वो प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल में पूरा सेक्शन जो भी समझाया तो उसको हम लोग डिटेल में फिर चेक किए, हम लोग पेड लाइन तक आईसी के।
सारे प्रोटोकॉल मालूम है yes, वो डीएट आईसी हो पीएमआई हो पीएमएल yes, हो या 63P हो या अलग से 6 लेग का सर्किट 1 हो सर्किट 2 हो तो क्लियर कर सकते हो नहीं कर सकते नहीं बिल्कुल सर पूरा क्लियर कर सकते बिल्कुल मेरा मोबाइल बुलवा लो सर का फोन दो और समझ लो इस टाइम मेरे ख्याल से 11 ही बज रहे होंगे तो सर बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया लाइट सेक्शन चलिए ठीक है थैंक यू सर मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी मेरा नाम सर्वेश कुमार मैं बिहार से हूँ सर सर्वेश बताओ मेरे को आज आपकी लाइट की क्लास और लाइट की क्लास में क्या पोजीशन है आपको जी आज हम लोगों ने देव सर के साथ लाइट सेक्शन के बारे में पढ़ा और जो सर ने जैसे जैसे डायग्नोस करने के लिए बताया और मैं एक सेट भी लेकर आया था मुझे पता नहीं था कि लाइट सेक्शन में कब कौन सी कॉइल डालना चाहिए कहाँ पे डायोड डालना चाहिए कहाँ पे वोल्ट डालना चाहिए वह फॉल्टी फोन में लेकर आया था लेकिन सर जैसे जैसे हम लोग को बताए मैंने उसी तरह किया और वह लाइट आज बना सर और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हो तो क्या वाकई में जिस ग्रुप की आपको तलाश थी वो तलाश खत्म हो गई जी 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 मैं आज मेरा ख़त्म हो गया सर जहाँ से क्या बोले सर ने खुद वह उस फोन को हमने कस्टमर को रिटर्न कर दिया था फिर भी कस्टमर उन्होंने बोला कि भैया ठीक है आप किसी तरह बना दीजिए तो मैं प्लान किया था कि इसका बोर्ड चेंज कर दूंगा फिर जब देखा कि क्लास को ज्वाइन किए मुझे लगा कि एक फुल भाई फुल फाइन किया जाए कि यह सेट बनता है कि नहीं बनता कि मेरे नॉलेज से बाहर था जब यहाँ पे आया और आज लाइट सेक्शन की क्लास वाइज हुई तो सर जैसे जैसे हमको बताया कहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए कहाँ से कितना बाईपास होना चाहिए सारे उस चीज़ को मैंने किया और बहुत ज़्यादा फील अच्छा महसूस हो रहा कि जब कोई सेट नहीं बनने वाला था आज मैंने खुद अपने हाथों से बनाया तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर खाली मिरेकल हुआ है आपको 5 घंटे की क्लास में और 4 घंटे के प्रैक्टिकल में 6 घंटे के प्रैक्टिकल में ये सारा मिरेकल हुआ है आपका जी 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 चलिए ठीक है सर अरे मोबाइल लिया ना भाई वाला हॉटस्पॉट चल रहा सर अरे ओपन है सर 1 7 9 अरे मुझको उठा फोन कहाँ है बाकी लड़के कहाँ चले गए क्या है क्या रखा इनका यार क्यों बाकी का सब कहाँ गए क्यों सबको बुला रहे अरे अभी इस टाइम भी है उनको भी बुला अरे कृष्णा दो में हाँ कृष्णा बोल मैं लाइव ले रहा हूँ यार रुक जाना जरा मैं बात करता हूँ उसके बाद अरे आ जाओ भाई आ जाओ जरा सामने खड़े हो जाओ यार ऐसा क्या कर रहे हो पीछे में ब्रेक सपोर्ट दो चलिए तो हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे साथ आज नेट हमको बहुत दिक्कत दे रहा है नेट में बार बार प्रॉब्लम आ रही है बार बार लाइव को काटना पड़ रहा है यस सर तो बताइए मेरे को मेरा नाम नौशाद है मैं प्रतापगढ़ यूपी से हूँ सर नौशाद क्या क्लास थी आज हमारी आज सर लाइट सेक्शन क्लास थी लाइट सेक्शन किसने देव सर के साथ क्लास थी 6 घंटे लगातार क्लास चली मेरी उसके बाद प्रैक्टिकल चला प्रैक्टिकल में हम गए फोन लेके अपना जिस सर जैसे समझाए थे सर ने बताया था यहाँ ये वोल्टेज मिलनी चाहिए यहाँ इतना जीआर मिलना चाहिए इस ड्राइवर पे इतना प्लस डिस्प्ले लगा के कितना वोल्टेज बन जाता है सभी उस हिसाब से काम किए सर लाइट आ गई मेरी सेट मेरा था 7 था तुम्हारा सर कैसा लग रहा है काम करके अच्छा करके सर रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा मिल रहा जो पढ़ा रहे हैं उसके रिजल्ट तो जो पढ़ा रहे हैं वो पीसीबी पे काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे कर पा रहे हैं सर ऐसा तो नहीं कोई थ्योरी वाला नॉलेज दे दिया यूट्यूब वाला नॉलेज दे दिया आपको ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं चलिए ठीक है ऑल द बेस्ट मेरे साथ एक और स्टूडेंट है मेरा नाम ब्रिजेश सर मैं बिहार से हूँ हाँ ब्रिजेश आज मेरा
क्लास देव सर के साथ साथ था लाइट आईसी का जी। एस से लेकर जेड तक बताया कहाँ से सप्लाई कौन सी जाती है, कहाँ से इन करती है, कहाँ से आउट करती है, किस पे कितना सप्लाई आएगा और कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जो कहाँ लास्ट स्टेप तक बताया कि सीपीयू तक जाकर खत्म हो जाती है। बराबर जी सर। तो एंडलेस नॉलेज है कि नहीं आपके पास? जी सर, कोई सा भी आईसी हो कोई सा भी हो आप कर लेंगे? कर लेंगे। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट नंद किशोर यादव छत्तीसगढ़। जी नंद किशोर बोलिए। देव सर क्लास लेने से पहले बोले थे कि 100% ये सेक्शन बनेगा। हाँ तो उसके हिसाब से जो एंडलेस सॉल्यूशन दिए बहुत बढ़िया था। तो एंडलेस सॉल्यूशन सर ने दिया तो वो आपने पीसीबी पे अप्लाई किया कि नहीं? अप्लाई किया सर। अप्लाई करा, रिजल्ट मिला आपको? रिजल्ट मिल गया सर। रिजल्ट मिले जी। वो तो अभी कोई सा भी सर्किट आता है वो D6 हो, D7 हो, D8 हो, D9 हो और PMO, PMI हो, PML हो या फिर आपका 6 लेग का सर्किट हो, सर्किट 1 हो, सर्किट 2 हो, तो आप बना सकते हो? जी सर बिल्कुल बना सकते हो। बना सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो? मॉडिफाई भी कर सकते हो जाएगा सर। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम चाहत है, मैं छत्तीसगढ़ जनपुर से हूँ जी। आज सर ने बोला था कि मुझे 2 घंटे दो, तुम लोग बिना देखे बता दोगे इसमें क्या सोल्यूशन आएगा, बिना देखे, बिना देखे, बिना टच पैड किए वहाँ पर लगाए कि तुम बता सकते हो कि क्या फॉल्ट है, कहाँ तुमको अब रीडिंग लेनी चाहिए, तुम्हारा फॉल्ट एक बार में निकल जाएगा। और सर के बताने के बाद 100% रेशियो हो गया, पहले 50-50 होता था डिस्प्ले और लाइटिंग का। बना तो नहीं बना, अभी 100% हो गया। 100% हो गया। यस सर। कोई सा भी आईसी हो, कोई सा भी आईसी बता सकते हैं सर, कोई सा भी आईसी हो आप बना दोगे 100%। यस। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम हेमंत दत्त है, मैं उड़ीसा से हूँ। आज सर लाइट का क्लास था, तो पहले तो लाइट का क्लास कभी लाइट कभी बनता ही नहीं था हमसे। ठीक है। तो अभी सर जैसे सर ने पढ़ाया है तो अभी कोई भी कहीं से भी छिड़के अगर आया वो मोबाइल तो बना कर दे सकते हो, कंपोनेंट उठ गए हो, आईसी उठा दी हो, पेडलाइन मिस कर दिया, मिस हो गया हो तो भी हम मॉडिफाई खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं। और अभी जो पढ़ाए थे सर 2 घंटे में हम खुद बिना देखे डायग्राम खुद ड्रॉ करें कहाँ से कितना बोर्डर है खुद भी बना के लिख के। आपका लाइव वीडियो देख सकता हूँ मैं? हाँ सर। आपने लाइव ड्राइंग किया आपने? हाँ सर। वीडियो देख सकता हूँ मैं? हाँ सर श्योर। जो भी देख रहे हैं सब फेसबुक में देख सकते हैं, मैं डिस्क्राइब किया था सारा सेक्शन वाइज। ठीक है। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी है। हाँ जी। फ्रॉम नेपाल से। हाँ। आज लाइट सेक्शन की क्लास हुई थी सर, विदेश तक की थी सर। हाँ तो बताइए क्या क्या लेवल का नॉलेज मिला आपको लाइट का? सर ये लेवल तो पूरा इंग्लिश तक की नॉलेज है सर। इंग्लिश तक की नॉलेज है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता सर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप जीरो से लेके एंड पॉइंट तक चले गए कि नहीं? जी सर इन पॉइंट तक सर। एंड पॉइंट तक चले गए सर। चलिए ठीक है। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम संजीत है, मैं एमपी से हूँ। हाँ जी सर। आज मेरे देव सर के साथ लाइट क्लास में लाइट क्लास थी। हाँ मुझे सर पूरा शुरू से लेकर पहले सर कुछ पता ही नहीं रहता था क्या लाइट कौन सी कहाँ से क्या आनी क्या नहीं आनी है। ठीक है। लेकिन अब सारा कुछ शुरू से लेकर जहाँ से स्टार्ट होती है सर आईसी पैड तक पूरा लास्ट तक मालूम सर। ठीक है। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है, मैं नेपाल से हूँ। हाँ जी। लाइट सेक्शन का पढ़ा गया है एकदम प्रैक्टिकल के साथ। तो जो ये सर हैं जो आपको पीछे दिख रहे हैं, ये सर दिख रहे हैं, तो ये क्लास अगर इनके द्वारा नहीं होती और किसी और टीचर के द्वारा होती, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में होती, तो क्या आप इतने बेहतर तरीके से ये समझ पाते क्या? नहीं सर, देव सर के इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि कोई सर ऐसा नहीं समझा सकता है। दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते तो इस तरह से नहीं पढ़ा सकते सर। अब नेपाल से इंडिया आए आप, पैसा खर्चा करके आए, समय करके आए। हाँ बोलिए जी सर। हम यूट्यूब में देख कर बहुत दिन से उसका ले रहा था, देख रहे थे कि कैसा है सर, देखे थे, इसीलिए हम लोग नेपाल से आए इसलिए इंस्टीट्यूट में। तो नेपाल से इंडिया आए, इंडिया में जबलपुर आया, जबलपुर में एशिया टेलीकॉम में पढ़े, आज पढ़ने को आपको 7वां 8वां दिन है, तो 8वें दिन वाले में और आज में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है सर। हैं? बहुत फ़र्क है। लाइट सेक्शन का एक एक पार्ट हम लोग चेक करके बना सकते हैं। चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम भूपेन साहू है, मैं छत्तीसगढ़। भूपेन साहू छत्तीसगढ़ से। आज बोर्ड देखने का नजरिया क्या है? देखो भूपेन, तुम कई और इंस्टीट्यूट से भी पढ़ के आए हो, समझ के आए हो, उसका लेवल और यहाँ का लेवल क्या फर्क है? बहुत फर्क है सर। बाकी इंस्टीट्यूट में मैं जाता हूँ वहाँ से आईसी निकालना लगाना ये सिखाते हैं, बट हम आईसी निकाल क्यों रहे ये बताया नहीं जाता। बराबर है। वो नॉलेज हमको यहाँ मिल रहे हैं आज। तो वो नॉलेज एक सटीक नॉलेज सटीक टीचर द्वारा आपको मिला कि नहीं मिला? जी सर। और वो सटीक टीचर का नाम क्या है? देव सर है सर, जो बहुत ही ज़्यादा हार्डनी है, स्ट्रिक्ट है,
स्टिक होना सही है कि गलत है? सर जी सर जरूरी है सर, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक हम ही ध्यान नहीं देंगे, हम पढ़ने आए हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूँ आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सर, रिबोल करके लगाना, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? आज सर ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।